बहराइच में बुधवार को समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व रक्षा मंत्री व समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासर शाह ने की। उन्होंने कहा कि नेता हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, वो आज भी हमारे बीच अखिलेश यादव के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नेता को हम उस दिन सच्ची श्रद्धांजलि देंगे जिस दिन हम अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होने के दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव ने कहा कि नेता ऐसे शख्स थे जिन्होंने संविधान व हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संघर्ष किया था और संविधान व हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमें मुख्यमंत्रित्व काल में कुर्सी पर लात मार दिया था। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिक ताकतों का फिरका परस्तों और नफरत करने वालों को प्यार मोहब्बत से जीना सिखाएंगे, साथ ही हिंदू मुस्लिम की एकता को कायम करके इस देश व संविधान को बचाने का कार्य करेंगे। बहराइच से ब्यूरो चीफ कुतुब अंसारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने देश और प्रदेश के गरीबों, नौजवानों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपने जीवन भर संघर्ष किया, आज उनकी पहली जयंती उनकी अनुपस्थिति में पार्टी कार्यालय में मनाई गई है। और हम सब ने संकल्प लिया है कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने संविधान, हिंदू मुस्लिम एकता की रक्षा के लिए अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कुर्सी पर लात मार दिया था, लेकिन संविधान की रक्षा किया था। हम सब ने संकल्प किया है कि देश में सांप्रदायिक ताकतों, फिरका परस्तों और नफरत करने वालों को प्यार और मोहब्बत से जीना सिखाएंगे और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करके इस देश और संविधान को बचाने का काम करेंगे।